गाइस गुड मॉर्निंग्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है केटीआर डेली लाइफ्स में। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करने के लिए आ चुका हूं। तो फिलहाल हम लोग आज सावन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एक बॉम गुड मॉर्निंग आप लोग को विश करती हूँ, क्योंकि आज हम लोग की गुड मॉर्निंग भी कुछ ऐसी हुई है। तो छोटे वाले जा रहे हैं पेपर देने, उनका कोई पेपर एग्ज़ाम है, उसका लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे वो शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। वैसे पूजा स्टार्ट हो गई है, सावन स्टार्ट होने वाला है, तो पूजा का भी एक क्या कहते हैं शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ सुबह जाके थोड़ा सा एक लोटा जल डाल के चले। तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों से करवाना, बट हाँ कोशिश तो कर लेंगे। हम लोग अच्छा है और इनका काढ़ा दोनों बन के हो गया तैयार। तो मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है केटीआर डेली लाइफ्स में। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करने के लिए आ चुका हूं। तो फिलहाल हम लोग आज सावन मास का पहला दिन और हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव के एक मंदिर में महादेव का दर्शन करने। तो यहां आने के बाद से हम लोग को मालूम पड़ा कि मंदिर बंद हो चुका है। तो फिर से हम लोग एक बार जो आंटी बगल में रहते हैं, इनके पास चाबी रहता है, उनसे चाबी लेकर खुद आई हैं, मंदिर खोल रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आंटी मंदिर खोल रही है और हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। हाँ ऊपर रखिए, पलट के रखिए। हाँ लीजिए, बोल दीजिए और अपना जो भी चीज़ बोलना है बोल के। श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ जल दीजिए। एक पैर उठाइए, बायां पैर। हाँ बस बंद करिए। क्या हो रहा चला था इधर, चलिए हो गया। तो हम लोग का पूजा हो गया फाइनल और इनका नाश्ता हो रहा है जैसे कि देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी में दो रोटी, दो पराठे और भुजिया दाल, ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके गई थी मीटिंग में। और मीटिंग से आने के बाद से मम्मी मच्छर काट दिया। तो मीटिंग से सोने के बाद से हम लोग आए तो लगभग 11 बज गया था। मंदिर का ताला बंद था जैसा कि इन्होंने बताया है। गर्मी है तो गर्मी जैसा कि मुझे हो रहा है और ये पूछ रहे हैं क्या है। हेलो बोलोगे? हेलो बोल दो। तो उनका फ़ोन बज रहा है, उनको लेट हो रहा है, अब वो निकलेंगे परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। तो ये निकले हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। किसी को फ़ोन किए थे ना आप? अपने भैया से बोलिएगा ना, कल्याणी तो जाना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो ये निकल गए। हम लोग का भी काफ़ी लेट हो चुका है तो ये जैसा कि जा रहे हैं किचन का दरवाज़ा बंद, होटल का दरवाज़ा बंद, चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करनी तो हम और माँ नाश्ता करेंगे।
साड़ी पहने अभी तक नहीं आया। तो अभी बना रही हूँ बेसन का सब्जी में, जैसे कि देख सकते हैं ये माया बुआ देखेंगी तो उनको काफ़ी अच्छा लगे। तो कच्चू का पकौड़ा, बैगन भरता है, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा स्पाइसी खाना, थोड़ा सा यूनिक टेस्ट उनको अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं कुकिंग में काफ़ी मतलब ख़राब थी, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, अभी भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हो चुका है। यहाँ के मामले में मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत, गांव के मामले में तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया, वहाँ इतनी चीज़ें नहीं बनती जितनी वहाँ बनती हैं। और ये अभी भी नहीं आया, कच्चू के पत्ते का पकौड़ी लपेटना पेटना, ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, की चीज़ें ये सब आया। और बेसन का सब्जी बनाना, बंडा का सब्जी बनाना, जो मैंने अपनी सासी माँ से सीखा, बंडे का सब्जी भी मैं मतलब मैं दादा बाबा के तरीके से बनाती थी, जिसमें मसाले पड़ते थे या फिर या। तो ये देख सकते हैं, सुबह से इतनी भीषण गर्मी थी, इस समय फिर बादल छा गए पूरे, अब लग रहा है फिर बारिश आएगी। दो पकौड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, चलते हैं मसाला इसका तैयार कर लेंगे। लहसुन, मिर्चा, अदरक, सरसों, टमाटर, यही सारी चीज़ें पीसी जाएंगे। तो बगल में एक किराना स्टोर है, वहाँ पे उनकी वाइफ का देहांत हो गया, तो उसमें जाना है हम लोग को, 11 दिन हो गए हैं। तो छोटे वाले जा रहे हैं फूल लाने, उसके बाद से हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो मैं मेरा यही रहेगा, मैं यही पहन के जाऊंगी। अभी बाहर अंदर वो लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। उसके बाद से कल के ब्लॉग में मैं आपको जो ज्वेलरी, एक और ज्वेलरी हम लोगों ने लिया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और सारा डिटेल मैं आपको दूँगी। तो अभी चलते हैं, भूखे जा रहे फूल लाने, लेके आ जाए फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ तैयार हो रहा है हम लोग का घी, जो हम लोगों ने सोचा था, सोचा क्या था वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सावन का शंकर जी का दीपक जलाने के लिए घी निकाल रहे, घर का घी रहेगा तो कितना भी रहेगा तो बाहर से तो शुद्ध ही है, भले हो सकता है कि थोड़ा सा जूठन और फ्रिज में और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे मांस मछली कभी क्या रहता है, लेकिन उसको सब क्लीन वीन करके मैंने रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बाहर से आती है वो किस अवस्था में आती है वो तो हम लोग खुद नहीं जानते, तो घर पे ही घी निकालते हैं। तो ये मेरा घी निकल रहा है, और इधर पानी चढ़ाया हुआ थोड़ा सा घी का डब्बा ये करने के लिए, और इस मथनी, पहली बार मथनी का प्रयोग किया मैंने, तो मथनी से निकाला है मैंने घी। और अभी कुछ टाइम बाकी है इनको लाने में, अभी ये जाएंगे फूल लेके आएंगे, तब तक मैंने सोचा कि ये सारे काम निपटा लेते हैं। दूध वाला भी अभी आने वाला है, तो दूध वाला आ जाए तब थोड़ा सा चाय बनाया जाएगा, और वहाँ जाना है अभी, देखते हैं माँ क्या कहती है ना, और डिनर में क्या बनेगा। वैसे बेसन का सब्जी बनाया हुआ, तो दोपहर का तो दूध है, पता नहीं क्या लगी है इधर, तो देखते हैं क्या होता है क्या जाता है। लेके आ गए सारा सामान जितना लगेगा, तो फ्लावर्स और स्वीट्स लेके आए हैं, तो निकल रहे हम लोग वहाँ के लिए। और 10 कदम की दूरी पे, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो जो सुबह साड़ी पहनी थी उसी साड़ी पे निकल गए। गर्मी में कौन क्या करे भैया, कुछ समझ नहीं आता है यहाँ कौन है। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे
भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। Thank you.